हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग विद समित। समय हो रहा है 12:18, आज डेट है 8/1/2024। आज के मार्केट का ओवरव्यू दे देते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड किया था, अपने टेलीग्राम पे मैंने क्या अपडेट किया था। देखिए, आज का ट्रेड मैंने दो ट्रेड किया था। देखिए, मेरा वन डे सिंगल ट्रेड होता है, उसमें से कंडीशन ये है कि अगर मैं प्रॉफिट में हूँ, अगर मुझे लग रहा है मेरा सेटअप अगर बन रहा है, तो मैं उस प्रॉफिट का लगभग 20% मैं रिस्क लेके उस ट्रेड में मैं इनिशिएट करता हूँ। थर्ड क्या है कि थर्ड अगर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कर सकता हूँ। जनरली मेरा ट्रेडिंग का यही रूल होता है। मैं आप सभी को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग भी ऐसे ही ट्रेड करिए। चलिए आज के ट्रेड के देख लेते हैं। देखिए, आज का ट्रेड मैंने आप सभी को शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा ये कंडीशन हो गया। तो जैसे कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मैंने ये भी मार्क किया है और शार्प सेलिंग देख रहे हैं आप। शार्प सेलिंग कहीं भी ऐसा कोई कैंडल नहीं है, टाइम फ्रेम 5 मिनट में ऐसा कोई कैंडल नहीं है जहां पे एक भी सपोर्ट मिला। यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट नहीं मिला, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, हेल्दी कैंडल के साथ एक सपोर्ट मिला यहाँ पे। जब यहाँ पे मिला तो मैं समझ गया कि यही एक सपोर्ट है और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट। वीडियो में बताया था कि मैं डब्ल्यू पैटर्न पे कॉल साइड जाने वाला हूं, तो मेरी एंट्री इसी के लगभग में, मेरा जो एंट्री पॉइंट है ये है 10 बजे के लगभग, और मैं एंट्री यहीं पे लिया था। और मेरा टारगेट था ये सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, जो कि मैं शो कर देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम है, मैं पहले पब्लिक चैनल पे मैंने ये शेयर किया था, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था वो शेयर किया था। और मैंने बताया था कि जब रिकवरी हुआ 9:52 पर, मैंने ये शेयर किया था कि शार्प रिकवरी भी होगा, ये मैंने वो कर दिया था। बाकी इस चैनल पे मैं शो कर देता हूँ आप सभी को। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस भी शो किया था, स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है मे बी मार्केट सेल करे। तो मैं यहाँ पे फिर 9:00 क्या मैं यहाँ पे अपडेट किया कि रिकवरी होगा, एक डब्ल्यू पैटर्न पे एक रिकवरी होगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था आप सभी लोग को, पैटर्न इस पैटर्न पे हुआ और मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी। ये भी शो कर दिया था कि आप टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, एसएल यहाँ तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये भी बताया कि ये जो रजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहेगा, ब्रेकआउट होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से पलट गया मैं एग्जिट कर लिया और नेक्स्ट मेरी ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो गई थी। ये कैंडल को देख के मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, लगभग 10:50 पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ। सेम उसी टाइम पे मैंने आप सभी को अपडेट किया था, 54 मिनट पर मैं सभी को अपडेट कर दिया था कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। देखिए, लिखना इतना पॉसिबल नहीं है कि जल्दी जल्दी मैं टाइप करके लिख सकूँ, क्योंकि इतना फास्ट मूव मिलेगा छूट जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप सभी को शेयर किया कि अगर आप लोग यहाँ पे नहीं ले सके तो रीटेस्ट पे लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे आप लोग ने लिया होगा मे बी, और यहाँ पे अच्छा खासा, अगर यहाँ पे भी आप लिए होंगे तो कम से कम 20-30 पॉइंट का अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिल गया होगा। तो आज का ट्रेड का यही था। और जाते मैं आप सभी को स्ट्राइक प्राइस अपना शो कर दूं। देखिए, आज मेरा ये स्ट्राइक प्राइस था, मैंने आज भी ऑप्शन सेल किया था, मैंने जो 10 बजे के लगभग लिया था यहाँ पे 270 पे मैंने लिया था, और मेरा जो एसएल था 280 10 पॉइंट का ओनली मेरा था, और जो कि हाई लो गया है 234, ये मेरा टारगेट था 226 220 के करीब मेरा टारगेट था, मैं मान के यही चल रहा था। जैसे ही मार्केट पलटा मैं यहीं पे सेल कर, 267 पे मैंने यहीं पे सेल कर लिया। नेक्स्ट जो मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया 21,700 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया था, इसमें भी मैंने ऑप्शन सेल किया था। आप सभी को पता है मैं एग्रेसिव एंट्री प्रीफर करता हूं, तो 250 पे मैंने एंट्री कर लिया था, जो मेरा एसएल था 260 के लगभग, एसएल यही के था। लेकिन मार्केट ने अच्छा मूव दिया, यहां पे मैंने वेट किया, इस टारगेट को मैंने अचीव किया। और रीटेस्ट में अगर बात करें हम आप सभी को, जो आप सभी को बताया कि रीटेस्ट में, देखिए रीटेस्ट में मार्केट यहाँ एक सिंगल कैंडल का रीटेस्ट किया और एसएल यहीं का लगाए होंगे आप लोग, आप सभी, मैंने यह भी अपडेट किया है यहाँ का एसएल आप लोग सभी लगाए होंगे, तो अच्छा खासा आप लोगों को मिल गया होगा पॉइंट। तो ये था आज का ट्रेडिंग का ओवरव्यू, आज मैंने ऐसे ट्रेड किया। और अब डिस्क्रिप्शन में आज मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कूपन कोड भी रनिंग कर रहा है TWA 10% का। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।